अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर मूर्त रूप ले रहा है। ये भले ही आधुनिक समय में बन रहा हो, लेकिन मंदिर की शैली और बनने का तरीका हजारों साल पुराना है। राम मंदिर ट्रस्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश आफले के मुताबिक डिजाइन तैयार करने से पहले करीब 550 मंदिरों का अध्ययन किया गया ताकि सबसे अच्छा स्वरूप बनाया जा सके। प्राचीन काल से ही मंदिरों को बनाने में वास्तु, ध्वनि, प्रकाश जैसी अनेकों चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। नगर से बना है, सबसे पहले नगर में निर्माण होने के कारण उत्तर भारत की शैली को नागर शैली कहा जाता है। ये हिमालय से विंध्य पर्वत तक प्रचलित थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत के शासकों ने इसे पर्याप्त संरक्षित। इस शैली के मंदिर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में पल्लवों से हुई। द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते हैं। प्राकार, गोपुरम, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप और भजन कीर्तन के लिए खाली जगह इस शैली की विशेषता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। इनका आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्ध गोलाकार। राम मंदिर 70 एकड़ के क्षेत्र में 2.77 एकड़ जमीन पर बन रहा है। ये 3 मंजिला होगा। इसमें 392 पिलर्स और 44 दरवाजे हैं। खूबसूरती ये है कि मंदिर में स्टील और लोहे का प्रयोग नहीं किया जा रहा। दीवारों और दरवाजों पर हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों की नक्काशी की गई है। क्षेत्र और काल के आधार पर निर्माण शैली और मंदिरों का आकार भी बदलता रहा। नागर शैली का मंदिर एक आधार या बड़े से चबूतरे पर बना होता है। मंदिर का शिखर इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। ये ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनमें मूल यानी आधार, गर्भगृह मसरक यानी नींव और दीवारों के बीच का भाग, जंघा, कपोत, शिखर, गल, वर्तुलाकार आमलक और कुंभ। मंदिर का मुख्य भाग गर्भगृह होता है, जो सबसे ऊंचे शिखर के नीचे होता है। नागर शैली में शिखर की प्रधानता होती है, इसलिए शिखर के आधार पर इन्हें अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं। 5वीं शताब्दी में देवगढ़ में बना दशावतार विष्णु मंदिर नागर शैली का प्राचीनतम मंदिर है।